में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज में विकलांग बच्चों के मध्य जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जी हां, इस अवसर पर बच्चों ने रस्साकशी, गोला फेंकना व अन्य खेलों में अपने जोहर दिखाए। यह कार्यक्रम जिला शिक्षा अधिकारी सपना जैन के निर्देश अनुसार किया जा रहा है, जिसमें विकलांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस प्रकार के आयोजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। जी हां, इस अवसर पर पूरे जिले से विकलांग बच्चों के मध्य खेलकूद प्रतियोगिता करवाई गई। वहीं खेलकूद प्रतियोगिता के पीटीआई ने बताया कि जिला उपायुक्त विनय प्रताप के निर्देश अनुसार यह प्रतियोगिताएं हर वर्ष करवाई जा रही हैं। उसी कड़ी में इस वर्ष भी जिला प्रतियोगिताएं जिला स्तर पर आयोजित हो रही हैं, जिसमें खिलाड़ी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। प्रोग्राम के बारे में हम कहना चाहेंगे, आज जिला करनाल पे खेलकूद प्रतियोगिता है जो दिव्यांग बच्चों के लिए है, जो विभिन्न स्कूलों में कक्षा 3 से 12 तक पढ़ रहे हैं बच्चे, उनमें अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं, जो डिसेबिलिटी एक्ट है RPDW एक्ट 2016 के तहत 21 डिसेबिलिटी जिसमें डिफाइन की गई हैं दिव्यांग बच्चों के लिए, उनमें अलग अलग विधाओं में अलग अलग सतर पर बॉयज़ का अलग गर्ल्स का अलग इवेंट हो रही हैं। जैसे हमें ऑर्थोपेडिकली है, मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअली डेफिशिट बच्चे हैं, ब्लाइंड और विजुअल इम्पेयर्ड वाले बच्चे हैं और हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चे हैं, उनका सभी का क्लास 3 से लेकर 12 तक 3 ग्रुप बनाए गए हैं। 3 से 5 का एक ग्रुप जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स होंगे, 6 से 8 का एक ग्रुप जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स, और 9 से 12 का एक ग्रुप रहेगा जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स रहेंगे अलग अलग करके। फिर इनको फर्दर सब कैटेगरी वाइज किया गया है, जैसे ब्लाइंड और VI बच्चे हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, ऑर्थोपेडिकली वो बच्चे हैं और इंटेलेक्चुअली डेफिशिट बच्चे हैं। इनके अलावा जो भी दूसरे बच्चे हैं उनको पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है। सपना जैन मैडम DPC के सानिध्य में हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, और ADC श्री अनीश जी यहाँ पे आए थे उद्घाटन के लिए, और बीच में उन्होंने भी यहाँ पे प्रतियोगिताएं करवाई हैं। कौन कौन सी प्रतियोगिता करवाई जा रही है? यहाँ पे 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, ये प्रतियोगिता कराई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल ये सभी जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं हैं। इनमें जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहेंगे वो फिर राज्य स्तर पे जाएंगे। जो भी दिव्यांग बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करेंगे जिन जिन प्रतियोगिताओं में, तो 6ठी से लेकर 12वीं तक के तो जाएंगे स्टेट लेवल पे, 3री से 5वीं का सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का ही प्रोग्राम था हमारा। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।